हेलो फ्रेंड्स, आपका इंडियन आर्ट में स्वागत है। आज हम रिबन से कृष्ण भगवान की पोशाक बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए बुकरम और एक प्लेट चाहिए, मतलब उस पर गोला करने के लिए रिबन चाहिए, मैं रेड रिबन यूज़ कर रही हूँ, मोती चाहिए ये डेकोरेट करने के लिए, और कोई भी कपड़ा नीचे लगाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे का घेरा बनाने के लिए हम गोल बुकरम काटेंगे। हमने बुकरम कट कर लिए, सेम इतना ही इस कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमने दोनों एक साथ कट कर लिए। अब इसके ऊपर इसे हम पेस्ट कर देंगे। पहले मैं ग्लू से पेस्ट कर रही हूँ, फिर इसके बाद इस पर सिलाई भी कर सकते हैं। मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये कट कर लिया है और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। इसकी जगह आप सिलाई कर लेंगे, वैसे बाद में सिलाई करेंगे जिससे ये मजबूत हो जाए। अब इसके बाहर जो धागे निकले हैं इन्हें हम थोड़ा थोड़ा साइड से जला देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम एक मोती लेंगे और इस रिबन को ऊपर की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस मोती के अंदर से डाल देंगे। उसके बाद सीधी तरफ से इसे फोल्ड करके सार करने के बाद से यहाँ से ऐसे ऐसे चिपका, इसे भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और मोती के अंदर ऐसी डाल के सीधी वाली तरफ जिधर से शाइन आ रही है, इसमें चमक आ रही है, वहाँ से ऐसे फोल्ड करके ऐसी हमने अपनी सारी पत्तियाँ तैयार कर ली है। अब इसके बाद इन्हें हम इस पर लगाना कैसे है वो देखेंगे। लगाने से पहले इसका बीच का घेरा हम कट कर लेंगे। बीच में हमने गोल कट कर लिया है जहाँ पे बाद में हमारी ऊपर की कोटी लगेगी कान्हा जी की, और एक साइड से उसको ऐसे कट कर लिए। अब हमें इस पर ये रिबन लगाने हैं। पहले आप इसे ग्लू से भी लगा सकते हैं, उसके बाद सिलाई कर सकते हैं जिससे आपको आसानी हो। अब हमने इसे पेस्ट कर लिया है और अब हम इसे और मजबूत बनाने के लिए हम इस पर सिलाई करेंगे।
देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है और ये अब पहले से मजबूत हो गया है। ऐसे चाहे तो आप इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ऐसे हम दूसरी रो तैयार करेंगे। देखिए अब हमने पहले की तरह इस पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी तीसरी लाइन तैयार करेंगे। अब ये देखिए हमारा पूरा घेरा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमें कोटी लगानी है, तो उसके लिए मैंने ये रेडीमेड लेस ले ली है। अब इसको मैं इसकी बाजू बना लेंगे पहले। बाजू बनाने के लिए को यहाँ तक सिल लेंगे पहले। मैं सुई धागे से सिल रही हूँ, आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं मशीन से। अब इस पे हमें गोटा लगाना है सीधा सीधा, और ये बाजू भी मैंने तैयार कर लिया है, साइड में गोल्डन गोटा लगाया है। अब इस पे यहाँ पे बस सिलाई लगा कर इसको इस पे पेस्ट करना है, तो इसकी सिलाई करते हैं। अब बाजू को हम घेरे से अटैच करेंगे, जिसमें दोनों के कोने मिलाकर लगातार सिलाई लगाएंगे। और अब हमारी ड्रेस बनके तैयार है गोपाल जी को पहनाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।